दिन सोमवार चंडीगढ़ बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सेक्टर 17 बिजली बोर्ड के कार्यालय के बाहर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा बिजली बोर्ड को निजी कराने के प्रस्ताव के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में लगभग 150 से अधिक कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर बिजली विभाग प्रदेश कर्मचारी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी गोपाल दत्त जोशी ने इस प्रदर्शन के दौरान कहा कि यदि बिजली बोर्ड को निजी किया जाता है तो ठेकेदार कंपनी अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आएगी, तो सबसे पहले इसका असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा, जिससे बिजली महंगी होगी। इसलिए यदि प्रशासन ने इस प्रस्ताव को वापस नहीं लिया तो उनका ये प्रदर्शन आम जनता को साथ लेकर किया जाएगा। मैं गोपाल दत्त जोशी, जनरल सेक्रेटरी यूटी पावर यूनियन चंडीगढ़। आज का बिजली कर्मचारी ने जो रोज प्रदर्शन किया है, चंडीगढ़ प्रशासन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कार्पेटाइज और प्राइवेटाइज करने की योजना बना रही है, उसके लिए आज यहाँ इन्होंने कंसल्टेंट की अपॉइंटमेंट के लिए टेंडर रखा हुआ था, जिसके विरोध में हमने आज यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट रखा है। तो इसके अगर बिजली प्राइवेट होती है, तो इसको क्या लाभ होगा और क्या कुछ हानि होगी? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी 2000 के बाद बिजली बोर्डों को तोड़ के कॉरपोरेशन बनाई गई और कॉरपोरेशन को बोलने के बाद कई कंपनियां बनी हैं, सरकार ने वो कॉरपोरेशन और कंपनियां इसलिए बनाई कि बिजली बोर्डों का घाटा जो 26,000 करोड़ में उस टाइम चल रहा था वो बढ़ के घटेगा। लेकिन आज की डेट में हम उसको अगर एनालिसिस करते हैं तो घाटा घटा नहीं है, बल्कि उल्टा 10,00,000 करोड़ से ऊपर जो है वो नुकसान जो है वो चला गया है। दूसरा, सरकार ने कहा कि जो अगर प्राइवेटाइज करते हैं तो बिजली का जो डिपार्टमेंट है, जो लाइन लॉसेज हैं वो घटेंगे, पब्लिक को अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलेगी, उसमें भी सरकार टोटली फेल रही है और सस्ती बिजली देने में भी सरकार जो है वो नाकामयाब रही है। उसके मुकाबले अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में आज सरकारी डिपार्टमेंट है, यहाँ पर स्टाफ की शॉर्टेज के बावजूद, सामान ना होने के बावजूद भी हम जो JERC की जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस उन्होंने तय की हुई है कि आपने इतने टाइम में केबल बदलनी है, इतने टाइम में ट्रांसफार्मर बदलना है, इतने टाइम में अपने फ्यूज लगाना है, हम उससे भी जो है कई गुना आगे जाके उस काम को करके 99% उस परफॉर्मेंस हम दे रहे हैं। इसी तरह 95% हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो चंडीगढ़ में बिलिंग है, और बिजली के रेट कंपेरिजन अगर हम करें चंडीगढ़ का पंजाब और मोहाली और पंचकूला से, तो उससे यहाँ पर रेट जो है उससे भी कम दिए जा रहे हैं, और बिजली जो है अनलिमिटेड सप्लाई हम लोगों को देने में कामयाब रह रहे हैं। उसके बावजूद जो है चंडीगढ़ प्रशासन को अगर प्राइवेट करता है तो ये आम पब्लिक के साथ जो है धोखा होएगा। इसलिए हम आम पब्लिक को भी विनती करते हैं तो इस काम में, इस संघर्ष में वो हमारा साथ दें, ताकि सरकार जो है इस तरह के जो लोक विरोधी फैसले लेने से पीछे हटे। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन मनदीप गौतम के साथ अलीशा जुनेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।